नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम आयुर्वेद और जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसके बारे में जो हम विवेचना कर रहे हैं, उसका एक डिफरेंस पता कर रहे हैं कि कहाँ तक आखिर क्यों हमने आयुर्वेद को छोड़ के मॉडर्न साइंस को अपना लिया और इस मॉडर्न साइंस ने हमें क्या दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर भारत में पर्याप्त और उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो क्या भारत के अंदर जो है हेल्थ का स्टेटस वो बेस्ट हो जाएगा, या हेल्थ का स्टेटस ऐसा हो जाएगा कि सारी मतलब पूरे इंडिया के लोग ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई जादू हो जाए या कोई ऐसा रिसोर्स हमारे देश को मिल जाए जिसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मेडिकल फैसिलिटीज भरपूर मात्रा में पूरे देश में हरेक गांव-गांव तक उपलब्ध हो जाए और हर शहर में एम्स खोल दिया जाए, तो सोचो हमारे देश का हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होगा, हेल्थ लेवल क्या होगा। आइए इसी बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं इस वीडियो में और आपके सामने आंख खोलने वाले फैक्ट आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसने हमें क्या दिया है अभी तक और क्या आगे फ्यूचर में ये दे पाएगी हमें। दोस्तों, अगर भविष्य की बात करें तो जिस हिसाब से हमारी मेडिकल साइंस अभी चल रही है, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमारा चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम फ्यूचर देखें इसका, तो फ्यूचर में करोड़ों लोग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कम करने की, खून को पतला करने की दवाइयाँ खा रहे होंगे, करोड़ों लोग थायराइड को कंट्रोल करने की दवाई खा रहे होंगे और करोड़ों लोग एंटी डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम करने की और सोने के लिए नींद की दवाओं पर निर्भर हो चुके होंगे, करोड़ों लोग इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी पीड़ित हो चुके होंगे, झेल रहे होंगे। इतना ही नहीं, करोड़ों लोग पित्ताशय या गॉल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं निकलवा चुके होंगे और लगभग 40 से 42 साल की उम्र के बाद की सभी महिलाओं का गर्भाशय निकालना कंपलसरी हो चुका होगा, जिसको हम यूट्रिसिस बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की जगह बच्चे ऑपरेशन से पैदा होंगे, करोड़ों लोग डायलिसिस के भरोसे होंगे और करोड़ों लोग अपने गुर्दे ट्रांसप्लांट करवा चुके होंगे और उसके बाद भी स्वस्थ नहीं होंगे, करोड़ों लोगों की एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी हो चुकी होगी और करोड़ों लोग कैंसर की सर्जरी करवा कर कीमोथेरेपी की मार झेल रहे होंगे। सोचने वाली बात है, क्या यही हेल्थ दे रहा है हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस? क्या देश के सभी नागरिकों को साइड इफेक्ट के साथ दवाइयां उपलब्ध हो जाना ही हेल्थ स्टेटस को अपग्रेड करना कहलाएगा? क्या यही स्वस्थ है? क्या पूरे देश की जनता का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल दवाओं से ही कंट्रोल किया जाएगा? क्या इसी को हम एक स्वस्थ समाज मानते हैं, एक स्वस्थ जनरेशन मानेंगे? साइड इफेक्ट वाली दवाओं का हर किसी के लिए उपलब्ध होना, क्या ये स्वास्थ्य का प्रतीक है, हमारे हेल्थ स्टेटस को अपग्रेड करने का प्रतीक है, या हम एक स्वस्थ देश की कैटेगरी में काउंट हो पाएंगे? ऐसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे कल्चर में वेस्टर्न कल्चर को घुसा दिया गया, उसके बाद ये उल्टी सीधी दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करना सिखाया, हमारे स्टैंडर्ड में डाला गया कल्चर के नाम पर और डाला ही जा रहा है, और उसके बाद दवाइयों के साइड इफेक्ट से लोगों के शरीर के अंग खराब करना और फिर उन अंगों को बदलने की सुविधा उपलब्ध करा देना, क्या इसको आप स्वस्थ कहेंगे? एक स्वस्थ मेडिकल स्टेटस, एक स्वस्थ हेल्थ स्टेटस कहेंगे हमारे देश का? ऐसा लगता है अगर पूरे विश्व की संपदा किसी एक देश को दे दी जाए, तब भी हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस के भरोसे चलकर उस देश को वास्तविक रूप से स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता, और अमेरिका इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो गया कि तकरीबन हर दूसरे घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, दिल गुर्दे की भयानक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं, दिल और गुर्दे के भयानक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और बड़ी शान और प्रचार के साथ फ्यूचर में ऐसे रोगों के कई गुना बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। पूरा मेडिकल कॉर्पोरेट जल्दी से जल्दी इलाज और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल के निर्माण पर जोर दे रहा है। पूरे मानव जगत को, पूरे देश की जनता को बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों द्वारा टीवी, अखबार के माध्यम से बड़े बड़े एड देकर हर साल महंगे महंगे हेल्थ चेकअप करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि बीमारी जल्दी पकड़ी जा सके और इलाज जल्दी शुरू किया जा सके। टीवी पर डिबेट हो रही है कि इन रोगों का जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए, लेकिन ये बीमारी जन्म क्यों ले रही है, इस बात का कोई जिक्र नहीं करता है। ये भयानक रोग कम कैसे हो या इनको खत्म कैसे किया जाए और बिना हानिकारक दवाई खाए स्वस्थ कैसे रहें, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा।
गुर्दे ट्रांसप्लांट कराने के लिए मेडिकल साइंस तुरंत तैयार है, लेकिन गुर्दे फेल होने के केस बढ़ क्यों रहे हैं, इस पर सब चुप है। चारों तरफ लोग बीमारी और इलाज के चक्कर में फंसे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसा देखकर पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस कॉरपोरेट संतुष्ट है, क्योंकि सब इलाज और हॉस्पिटल निर्माण पर काम कर रहे हैं। लेकिन इतना पैसा खर्चने और बड़े बड़े रिसर्च के बाद भी क्या ये मॉडर्न मेडिकल साइंस किसी एक भी रोग को खत्म कर पाई है? शायद नहीं।